हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी करना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डीएलएड का एंट्रेंस का सिलेबस क्या है। आपको पता है कि एंट्रेंस हो चुका है। पहली बात ध्यान में रखना है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात माइंड में रखना है कि क्लास 10 से 12 तक का सिलेबस आपको रिवाइज करना है। अब देखते हैं क्या क्या टॉपिक है जिसमें आपको नज़र मारनी है, जो आपको रिवाइज करना है। मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी ध्यान देना है, आपको जनरल नॉलेज पर ध्यान देना है, इंग्लिश पे, टीचिंग एबिलिटीज़ पे, क्योंकि टीचिंग का आप फॉर्म भर रहे हैं, और लैंग्वेज टेस्ट होगा हिंदी या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें। प्लस 10th एंड 12th का सिलेबस रिवाइज ज़रूर कर लेना। कुछ चीज़ हम देखते हैं क्या क्या टिप्स है जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं। पहला है, आप एक स्केड्यूल बना लीजिए कि आपको सुबह इतने टाइम पढ़ना है, दिन में इतने टाइम पढ़ना है। एक स्केड्यूल सेट कर लीजिए, रिगिड स्केड्यूल होना चाहिए वो। स्टडी मटेरियल तैयार रखिए, मैं आपको आगे बताऊँगी। आप एक बुक भी ले सकते हैं और हेल्दी रहें, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना रहें। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा, इतना कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं है। डीएलएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं। ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। अमेजोन पे 320 की आएगी ऐसी है। जुल्फिकर हुसैन इसके राइटर हैं, तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।